नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पांच करोड़ के नकली नोट जब्त, बाढ़ से दो घंटे तक नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग बंद, राज्य में ब्लैक फंगस के सर्वाधिक मामले। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पांच करोड़ के नकली नोट जब्त। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 10 से लेकर 2000 रुपए के नोट के 5 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में 6 बालाघाट तथा 2 गोंदिया जिले के हैं। बालाघाट एवं गोंदिया जिले में नकली नोट चलाने जाने की बालाघाट पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके बाद विशेष अभियान चलाकर एक व्यक्ति को 8 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में पुलिस को यह काम बड़े पैमाने पर होने की जानकारी मिली, जिसके बाद किरनापुर के सेवती निवासी राहुल मेशराम, हेमंत उके, सोमपुरी निवासी कान्हूलाल विश्वकर्मा, रामगढ़ी निवासी अनंत राम पांचे, सोहनलाल बिसेन, हरी राम पांचे तथा गोंदिया जिले के डुग्गीपार थाना अंतर्गत कनेरी निवासी मकरू उर्फ वकड़ू तावाड़े, गोरेगांव तहसील के घुमरा निवासी रामू उर्फ रामेश्वर मोजे को गिरफ्तार किया है। तो वही दूसरे और बाढ़ से दो घंटे तक नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग बंद। छिंदवाड़ा जिले में सनसर तहसील के रामाकोना के निकट गहरे नाले में आई बाढ़ की वजह से आज नागपुर छिंदवाड़ा के बीच यातायात ठप हो गया। जोरदार बारिश के चलते शाम करीब 5:45 पर गहरे नाले में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया और रास्ते के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन करीब 2 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान कुछ वाहन जोबनी मार्ग से होते हुए सोनसर पहुंचे, वहीं छिंदवाड़ा जाने वाले कुछ वाहन रामाकोना से देवी मार्ग होते हुए रवाना हुए। 2 घंटे तक रुके रहने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। तो वही तीसरे और राज्य में ब्लैक फंगस के सर्वाधिक मरीज। राज्य में म्यूकरमाइकोसिस से अब तक 828 मौतें हो चुकी है, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में ब्लैक फंगस के 8,640 मरीज मिले, जिनमें से 3,583 ठीक हो चुके हैं। 4,086 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। नागपुर जिले में ब्लैक फंगस के सर्वाधिक 1,395 मरीज पाए गए हैं। इनमें से 715 ठीक हो चुके हैं, जबकि 553 लोगों का उपचार किया जा रहा है। जिले में इससे सर्वाधिक 112 लोग जान गंवा चुके हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।